पूरा पानी भरा चारों तरफ रहता है, आदमी नाव से इस पार उस पार जाते। आबादी था, आबादी पुराने प्रधान वहाँ आबादी था, छेका लिए 10 साल से भी वादा करते रहे आबादी बांट देंगे, आबादी बांट देंगे। सारा दबंगई करके जमीन छेका के गेहूँ बोते हैं, अपना हिस्सा सब ले लेते हैं। तो भाई जानवर पाल रखे तो उसको भी खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? अपने नहीं खाएंगे लेकिन जानवर को पहले खिलाएंगे। अब पहले तो दामाद बनाएंगे, पैर छुएंगे, सर पर हाथ रखेंगे, हे कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं, खाते नहीं है, लेकिन उसको फीस हम 1200 रुपया महीना देते हैं। तारीख तारीख पे तारीख, आखिर में क्या मिलेगा? फिर तारीख मिलेगा, तारीख मिलेगा। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस वक्त हम धोबी घाट पे आ चुके हैं और बहुत समस्याएं हैं। हम यूं ही नहीं आए यहाँ पर, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि ये लोग इस तरीके से कपड़े धो रहे थे। और आप पानी देख सकते हैं, सबसे पहले पानी देखिए कि कितना गंदा पानी है। और मजबूरी है कि इन लोगों का ये काम है और काफ़ी टाइम से ये लोग ये करते आ रहे हैं और मजबूरन यहाँ पर धोना। सरकार की तरफ से राप्ती नदी है इस साइड में और यहाँ पर अलाउट होना था कि यहाँ के लिए ये जो धोबी समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पर जाएं, अपनी चीज़ों को बढ़िया तरीके से करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी वक्त हो गया लेकिन मजबूरन इस तालाब के पानी से, आप देख सकते हैं किनारे किनारे कितना गंदा है, लेकिन इसी पानी से लोग इस चीज़ को साफ करते हैं। कहाँ के रहने वाले? हम यही, हमारा मकान यही है। अच्छा, आप भी इसी बिरादरी से हैं? जी जी जी। आप भी काम करते होंगे? हम भी करते हैं। ये बताइए कि क्या समस्याएँ आ रही हैं आप लोग? समस्या बहुत है यहाँ पे, कोई धोबी घाट नहीं है। धोबी घाट निकला, देखिए कहीं धोबी घाट दिख रहा है? पैसा करोड़ों रुपया सब लोग खा गए प्रधान धान मिल के। पोखरे के पानी से आप लोग धो रहे? गंदा पानी से कपड़ा धुलाई हो रहा है। अब बताइए वो जो कपड़ा पहनेगा वो इंसान, वो खजुली उजली हो ही जाएगा? ये बताइए, देखिए बहुत बेबाक आदमी है, इनके पास में आए और इनको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर इस पानी से हम लोग धुल रहे हैं तो गंदगी है, ठहरा हुआ पानी है। खाने का भी तो पानी इसमें आता है, बर्तन का सब कुछ पानी आता है। इसे कहेंगे तो कोई कपड़ा भी नहीं देगा? अरे देगा, जिसको पहनना देगा, क्या करेगा? बगल में नदी, एक बार यहाँ धुलाता है, यहाँ धोने के बाद लोग नदी में जाते हैं, वहाँ साफ पानी में धोते हैं। अच्छा, ये बताइए बाढ़ के समय में जब बरसात बहुत ज्यादा होती है तब तो और समस्या हो जाती है? जी जी, समस्या तो बाढ़ में हम लोगों की सबकी समस्याएं हैं, पूरा पानी भरा चारों तरफ रहता है, आदमी नाव से इस पार उस पार जाते हैं। समस्या तो तमाम है। स्थानीय आप लोगों को कोई जगह नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। आबादी था, आबादी पुराने प्रधान वहाँ आबादी था, छेका लिए सर, अपना बिल्डिंग बना लिए, गेहुआ सागर में आबादी था धोबी का, यहाँ आबादी था तो यहाँ बड़गो के प्रधान नए हुए, 10 साल से भी वादा करते रहे आबादी बांट देंगे, आबादी बांट देंगे। मंदन प्रधान है इस समय तो वो भी आबादी नहीं बांटे, सारा दबंगई करके जमीन छका के गेहूँ बोते हैं, अपना हिस्सा सब ले लेते हैं। पानी ये पूरा डूब जाता है, ये हिस्सा पूरा डूब जाता है, इनके अंदर पानी चला जाता है, कमरे के अंदर चला जाता है। और आप लोग कहाँ फिर जाते हैं? अब फिर छत पर रहते हैं, फिर या तो बंदे पर जाते हैं, टेंट लगा के रहते हैं। हाँ, टेंट लगा रहा जाता है, बंदे पर निकला जाता है। और क्या किया जाए, बंजारे वाला जीवन हो जाता है। हाँ, क्या किया जाए, बंजारे वाला वही जीवन हो जाता है। जो रहता है कोई कुछ बांटने लाता, शहर से व्यापारी व्यापारी कुछ अपना बांटते हैं तो लोग से, हम लोग कुछ जानवर को खिलाते, अपने भी खाते। भाई जानवर रखे तो जानवर भी ले जाते होंगे? तो भाई जानवर पाल रखे तो उसको भी खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? अपने नहीं खाएंगे लेकिन जानवर को पहले खिलाएंगे, क्योंकि भाई जानवर है तो अनबोलता जानवर है, उसको जो मिलेगा वही खाएगा। तो बाढ़ में हम लोग को बहुत परेशानी होती है। और जब इनका घर हम देख रहे हैं ना, ये बंधे के किनारे ये घर है, और बरसात के समय, अभी तो सर्दियों का मौसम है इस समय ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब बरसात बढ़ने लगती है तो ये आगे का आप पुल देख रहे होंगे, ये रोड देख रहे हैं, पूरा पानी वहाँ तक चला जाता है और इनके घर में पूरा पानी आ जाता है। ये राजघाट के पास कहीं अपना व्यवस्था करते हैं, टेंट लगाते हैं, एक बंजारे के जीवन फील्ड में जाते हैं, हम लोग नॉर्मल में जाते हैं अपना सब कुछ लेके, एक आदमी गार्जियन आ रहा जाता है घर और रखाता है, क्योंकि चोरी भी सब करते ना से आके ना, इसलिए घर पे कोई ना कोई चाहिए। बाकी सब लोग नॉर्मल में जाके अपना टेंट बना के या सरकारी मकान का जो स्कूल है उसमें रहते हैं, तो जितने बार दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, वो पूरा अपना रोटी भर में गरम परेठा खाते रहते हैं ठंडी भर, फिर कहाँ निकलते, फिर चुनाव आएगा, फिर हाथ जोड़ने आ जाएंगे। वो अपना बाप हम लोग को दामाद बना लेते हैं चुनाव के समय में, और उसके बाद साला भी नहीं बनाते हैं, ये सिस्टम है। पहले दामाद बनाते हैं फिर साला भी नहीं बनाते हैं। हम लोग सोचते हैं साला बना के कुछ कर दें भाई, तो लेकिन तो वो भी नहीं बनाते हैं। अब पहले तो दामाद बनाएंगे, पैर छुएंगे, सर पर हाथ रखेंगे, हे कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं।
काम निकला बस बात खत्म। काम निकला बात खत्म। आप रहता है बस वही तारीख पे तारीख सही देवल वाला वही बस डायलॉग है। पिछले सर 20 सालों से पहले गांव यहां पर ग्राम सभा की व्यवस्था थी, अब तो नगर निगम में हो गया है। इस बार नगर निगम का चुनाव होने वाला है पार्षद का। पिछले साल से वही क्या है टाल मटोल होता है, बेसिक बुनियादी चीज़ें भी बहुत ही स्थिति बहुत गड़बड़ है। बाकी आप कंडीशन जानते ही हैं, मूलभूत रोजगार यही इन लोगों का है। मैं खुद यहाँ पर रहने वाला हूँ। अच्छा, आपका भी मकान है। मैं आपको देखा तो मैं आया हूँ अभी। क्या नाम है आप? नीलेश कुमार। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम भी यही काम करते हैं। अच्छा, आप हाँ काम करते और छोटा मोटा व्यवसाय भी करते हैं, जग मजदूरी करते हैं। खुशी हुई है कि आप लोग आए हैं, इस समस्या को उठाया गया है। अब तक आम पब्लिक ने अपनी अब तक जो है चाहे राजनीति क्या जनप्रतिनिधि हो, उन लोगों के सामने बातें रखी गई हैं, क्योंकि टाल मटोल के अलावा कुछ नहीं हुआ है। जब तक मैं होशियार हूँ तब तक मैं देख रहा हूँ, बचपन से ही देखते चला आया हूँ। आज तक 35-40 साल की उम्र हमारी हो चुकी है। आश्वासन मिलता है, आश्वासन मिल रहा। अभी कोई बेसिक कोई न तो रहने का अस्थायी लोग का जगह है, न तो रोजगार है, किसी चीज़ की कोई व्यवस्था। ये जो जमीनें हैं यहाँ पर, ये जो जमीनें दिख रही हैं, ये आप लोगों के नाम से हैं? नहीं भैया, नाम से नहीं है, कोई बसा दिया है। हमारे ससुर ससुर लोग जो थे उन्हीं को बसा दिए पहले के, तभी से हम लोग बसाए हुए हैं। उन्होंने लोगों ने बसाया था पहले, इन लोगों के वहाँ जो काम करते थे। एक दो पुश्ते दो तीसरी पुश्त चल रही है। अच्छा, हम लोग दादा सालों से दादा परदादा रहे हैं, लोग उन लोग की अपनी अस्थायी थोड़ी अपनी भी अस्थायी जगह नहीं है। कल के डेट में कुछ ऐसा सरकार का कदम आता हो कि आप लोग को हटाया जाए, तो कहीं ना कहीं तो कुछ होना चाहिए। तो अगर हटाया जाए तो फिर वही हम लोग पन्नी डाल के रहेंगे बंदे पर रोड पर, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हकीकत यही है, हम लोग इसलिए हम लोग ने इस पर जोर दिया भाई, हम लोग को कम से कम अस्थायी जगह दिया जाए। कल को अगर डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, या सरकार कोई योजना लाती है, या अगर इसको तोड़ हटाया जाए, तो हम लोग मुआवजा के नगर पालिका में आ चुका है। मुआवजा के अधिकार भी नहीं है। मुआवजा किसको मिलता है? जिस पास पेपर हो, जमीन का पेपर, उसको मुआवजा मिलता है ना। हमारे पास तुरंत आधार कार्ड वगैरह बना है आप लोगों? आधार कार्ड होगा, अस्थाई एड्रेस होगा, सबका एड्रेस वही है, एड्रेस यही होगा, आधार कार्ड होगा, बैंक अकाउंट होगा। बहुत लोग यहाँ पढ़ लिख के रोजगार भी हुए हैं। अब तो सारी व्यवस्था आप जानते ही हैं, सरकार की क्या व्यवस्था, कितनी नौकरियाँ मिल रही हैं। क्या वही हम स्कूरी की पिक्चर नहीं थी, अभी हराम का खाने का आदत पड़ने दो, उसके बाद तो अंगूठा लगवाएंगे ही। पहले फ्री में खाने की आदत डालने दो, कमर तोड़ी जाएगी बाद में, तब अंगूठा लगेगा कागज पे। इन्होंने बोला अभी तो सुलाई भी हम लोग नहीं, किस चीज का अंगूठा लगाएंगे, किस चीज का अंगूठा लगाएंगे, न खेती है न बारी है, बस ये है। उसके बाद चुनाव निकलने के बाद कोई हामी नहीं, ना कोई कुछ रहे। विपिन सिंह देखिए, छठवा सातवां साल चल रहा विधायक ही, के बार आए हैं, आते फॉर्चुनर गाड़ी में 20 लेके डायरेक्ट चले जाते हैं। अब उसमें कौन जानता है विपिन सिंह बैठे हैं कि योगी जी बैठे, मोदी जी बैठे हैं, कौन आता कोई के पास जाएंगे। वो गाड़ियों के स्कॉट में तो आप रुकेगी भी नहीं ना, रुकती नहीं है ना गाड़ी, रुकती भी नहीं है, डायरेक्ट आते डायरेक्ट चले जाते हैं। रवि किशन है तो नाच गाना में अपने फंसे रहते हैं, वो भी कभी नहीं आते हैं। चुनाव में जब हम वोट डालने गए थे तो हमसे मिले थे, वहाँ पे थे जब बूथ पे, तो उनसे हम बात होती है, कह रहे हैं नहीं व्यवस्था होगा, ये होगा होगा। आज तक उनके दोबारा उनका भी सातवां छठवां साल है, उनको भी अभी तक नहीं हम देखे। अब वो कैसे मोटे हैं, दुबले हैं, पतले हैं, वो कहते हैं ना जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, वही कहते हैं। हाँ वही कहते हैं, बस उन्हीं की वो आया है। हम लोग की जिंदगी झंड है ही है, फिर भी अपने आप पर घमंड रहता ही है। आज 500 कमा रहे हैं तो पता चला बच्चों का फीस जमा करना है, घर में तेल नहीं है, 200 रुपये किलो कड़ू का तेल ले आओ, 250 रुपये किलो का फलाना लाओ ढकाना लाओ, खत्म हो गया, बच्चों का फीस नहीं जमा होने पाया। बिजली खड़ा से एक महीने में 3000 रुपये पार चला जा रहा है, लेकिन उसका मीटर इतना तेज भागता है साला कि हम लोग खाएं कि बच्चों का पढ़ाए कि बिल भरे, और वही रहा है। 300 कोई कमाता, कोई 400 कमाता, इससे ऊपर हम लोग बढ़ते बढ़ते बाल पक जाता है। क्या नाम है आपका? पन्ने लाल कनौजिया। पन्ने लाल जी गए थे तो अभी ये कह रहे हैं कि इतना टाइम हो गया, वो मोटे हुए पतले हुए कैसे हुए हमको नहीं पता है, लेकिन जब गए थे तो बड़ा प्यार से कहा था कि आप लोगों की समस्याओं पे मिलाए थे, गले भी मिले थे, लेकिन तब से आज तक उनको हम देखवा नहीं। चुनाव का तो समय नहीं था उस नहीं, उस समय चुनाव का था, वोट उनका पड़ रहा था, संसदीय चुनाव यही है। मंदिर में भगवान रहते तो हार फूल माला टोपी सब कोई पहनाता है, उसी भगवान को रोड पर रख दीजिए तो कोई इधर उठा फेंक देगा, कोई उधर उठा फेंक देता है, वही हाल जनता की रहती है। जब तक चुनाव रहेगा तो जनता भगवान रहती है, खूब पूछते हैं, पैर छूते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, और जहाँ चुनाव खत्म भगवान को उठा के फेंक दो। तकलीफ क्या, हम लोग समझिए कि हम लोग की सांसों तो यहाँ आती आती रहती है। मान लीजिए हम लोग तैरना उरना जान जाते,
छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मान लीजिए कोई इधर लुढ़क जाए कोई उधर लुढ़क, देखिए कितनी ऊंचाई है, अगर कोई गिर जाता है तो उसको खोजने में भी परेशानी होगी। नाव से ही नाव से निकला जाता है, क्यों पूरा ये नाव चल रहा था ना, पूरा डूब गया था। देखिए वो इसी नाव से हम लोग जाते, देखिए रखी हुई है यहाँ पर, यहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं कि ये देखिए वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके तो आपको दिखेगा। हम लोग को कम से कम बाढ़ से बाहर तो पहुँचा देते हैं, जैसे भी पहुंचा देते हैं। सरकार थोड़ी लाती है नाव की, आप नाव से आइए जाइए। सरकार की तरफ बाढ़ के समय में भी कोई सुविधा नहीं मिलती, क्या सुविधा मिलती, कुछ नहीं मिलता है। ऐसे हम लोग के दादा परदादा भी किसी तरह खसकाएं, अब हम लोग खसका रहे हैं, बाद में हम लोग के बच्चे खसकाएंगे। उसके बाद तो पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं, हमारी बिटिया नवल्स में पढ़ती है। अच्छा। खाते नहीं है लेकिन उसको फीस हम 1200 रुपया महीना देते हैं। हम लोग के दादा परदादा थे, अंगूठा छाप थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, 1200 रुपया महीना देते हैं। बड़ा वाला लड़का हमारा देखिए फुटबॉल का खिलाड़ी एक नंबर का है, वह फुटबॉल भी खेलता है और इसमें सेंटर ड्यूज में एडमिशन कराया। 21,000 रुपया अभी हम उसको दिए, एक महीना हो रहा है, 21,000 रुपया उसका लगा है और पढ़ाई भी करता फुटबॉल भी खेलता है। छोटा वाला लड़का महाराणा प्रताप में पढ़ता है, उसका आज वो गया है कैंप गया है, वो एनसीसी ले रखा है। तो हम 800 रुपए का जूता ला के दिए है, मिलिट्री वाला जूता, एनसीसी में वही जूता चलता है। तो रात को हम 10 बजे उसको वहाँ से घोष कंपनी चौराहे पर खरीद के लाए, जो लोग बनाते हैं, कह रहे पापा हमको सुबह निकलना है, तो रात में गए जूता उसको खरीद के लाए, वो कैंप उसका गया है, अब वो एनसीसी भी ले रखा है, कुछ बच्चों को ट्रेनिंग भी देता है। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सरकारें क्या कर रही हैं? कुछ नहीं हुआ है, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से चलते हैं और उनके क्या महात्मा बुद्ध के हिसाब से चलते हैं, स्वामी विवेकानंद के बात पे चलते हैं। तो हम इन सबों को बातों लेके बच्चों को पढ़ा रहे ताकि हम अंगूठा छाप है, हमारे बच्चे अंगूठा छाप न रहे। भाई वो चीज नहीं पद भी पाएंगे लेकिन उस कदम पे तो चलेंगे, एकदम चलेंगे। बाबा साहब ने हम लोग को आज वो क्या नाम है संविधान दिया है, उस संविधान की हम लोग रक्षा करेंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो रक्षा कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। जानकारी है आपको? हमको बहुत जानकारी है, हम नेता से अगर हम बोलने लगे तो नेता उठ के भाग जाएंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो सफेद कपड़ा कहीं ना कहीं साफ होने यही आता है और जब चकचकाते हैं और इन्हीं की समस्याओं को आप नहीं सुन रहे हैं। वो जो कुत्ता खड़ा रहता है माड़ लगा के प्रेस होता है, वो नेताजी हम ही लोग के दम पे खड़ा क्रीज करके पहनते हैं, नहीं तो उनकी औकात नहीं है कि क्रीज अपने हाथ से खड़ा कर ले। वो भले ही अरबपति हो करोड़पति हो, कुर्ता धोबी प्रेस करेगा तभी वो क्रीज खड़ा रहेगा, लेकिन नेता लोग धोबी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं कि हमारा क्रीज खड़ा था उसके बारे में कुछ सोचे हैं, उसके बच्चों के बारे में सोचे हैं। आज इतनी महंगी फीस हो गई है, हम लोग किस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं? आज अपने दम पर पढ़ाते हैं, अपने कमाई से पढ़ाते हैं, अपने मेहनत से पढ़ाते हैं। अगर आपको भरपूर इस चीज से मिल जाता है तो आप किसी और जगह क्यों जाते हैं? बिल्कुल सही बात है, अगर हर चीज हम लोग को मिल जाता तो और जगह जाते ही नहीं है, क्यों जाते भाई? एक दूसरे के सहारे नहीं जीना हमको, ना नेता भरोसे नहीं जीना है, अपने दम पर जीना, अपने मेहनत पर जीना है। अब बच्चों को उस लायक बनाएंगे कि हमारे बच्चे भी 10 लोगों की नौकरी दें, 10 लोगों की हमारा बच्चा फुटबॉल खेल रहा है आज निकल जाएगा तो 50 बच्चों को फुटबॉल खुद सिखाएगा। अच्छा, संविधान का जो मूलतः रूप है, जो संविधान बना हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो धरातल पे दिखती नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखती, नेता लोग उसको दिखने नहीं देते, अगर दिख जाएगी जिस दिन ना, और नेता लोगों की पैजामे की डोरी खुल के नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो देखने नहीं देते ना उसको जो उजागर होने देते हैं। बाबा साहब ने ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी है, जब वो संविधान पारित कर रहे थे उस समय संविधान को फाड़ दिया गया, फेंक दिया गया उसको, लेकिन बाबा साहब ने ऐसे दिमाग था उनके पास कि वो दोबारा संविधान लिख के प्रेरित किए उसमें बैनर पे। कभी कोई लगाता था? बैनर पे भी लगा रहे, अपने ऑफिस पे भी बड़ा सपोर्ट, अपने ऑफिस पे भी लगा रहे। कोई लगाता था? न समाजवादी पार्टी लगाती थी, न भाजपा लगाती थी, न आम आदमी पार्टी लगाती थी, केवल मायावती लगाती थी, बाकी कोई नहीं लगाता, सारे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्यों ये बताइए, मायावती अच्छी है क्या? मायावती अच्छी नहीं, हम अच्छी नहीं कहेंगे। मायावती ने 4 बार मुख्यमंत्री थी, हम लोग के लिए क्या की? वो भी कुछ चाहती हुआ हम लोग को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती, क्या हम लोग को जमीन नहीं दे सकती थी? थाली के चट्टे बट्टे हैं, अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तुम हमको गाली दो हम तुमको गाली देंगे। नेता का कहना है पीठ पीछे बहुत सारी चीजें, नेता क्रांतिवीर पिक्चर में क्या कहता है, अरे तू हमको गाली देगा तो हम तुमको गाली देगा। क्रांतिवीर पिक्चर नाना पाटेकर की जो है पिक्चर बहुत देखते हैं।
नहीं, हम देखिए खतरनाक पिक्चर देखते हैं, जिसमें राजनीति हो, जिसमें सैनिक वाली पिक्चर हो, हम देखते हैं। नाना पाटेकर क्या गाता है, अरे आगे मौत के तमाशा देखने, कहीं आपके अंदर एक कलाकार भी छुपा। कलाकार का हम सई देओल का पिक्चर देखते हैं, नाना पाटेकर धर्मेंद्र का पिक्चर देखते हैं, सुनील दत्त की पिक्चर, राजकुमार की पिक्चर हम देखते हैं। पन्नेलाल कन्नौजिया जी हैं और ये यही धोबी घाट पे रहते हैं, इसका भी काम करते हैं और साइड में कोई छोटा सा बिजनेस? हाँ करते हैं, करते हैं ना? रेडीमेड कपड़ा बच्चों का बेचते हैं। अच्छा, बस बेचेंगे नहीं तो हम इससे कहाँ कमा पाएंगे, एक काम करके नहीं, नेता तो 50 काम करते हैं फिर भी लूटते हैं, हम लोग तो दो काम करके नहीं लूट पाते हैं, बच्चों का फीस तक नहीं दे पाते हैं। लूट कहाँ रहे हैं, आप तो मेहनत कर रहे हैं। नहीं ये बस एक बात कह रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। राहुल गांधी मोदी जी को गाली देते हैं, केजरीवाल राहुल गांधी को गाली देते हैं, संसद में जाके आंख मारते हैं राहुल गांधी मोदी जी को, बाद में वही काम करते हैं, वही कहते हैं ना तू हमको गाली देगा हम तुमको गाली देगा, फिर बैठ के साथ में नाश्ता करेंगे, एक साथ में नाश्ता करेंगे, तारीख तारीख पे तारीख, आखिर में क्या मिलेगा, फिर तारीख मिलेगा।